ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है, जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको इस 30 मिनट में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज बच्चे कहानी सुनेंगे, कहानी के बाद एक गीत और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र शास्त्र यानी बाइबल से परमेश्वर का वचन होगा। तो श्रोताओं, आइए बच्चों की कहानी सुनने से पहले इस गीत को सुनते हैं। जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना आता है सा, सुनता है
यीशु प्रार्थना वो ही निभाता है सा मायूस न हो आहे ना भरो प्रार्थना करो मायूस न हो आहे ना भरो प्रार्थना करो जब गम की घटा छाए जब आंसुओं की बरसात हो जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें जब जीवन में तूफान हो रहने वाले एक किलेंथियस नामक बालक की है जो कि वहीं पर एक पाठशाला में पढ़ता था। ये बालक किलेंथियस बहुत ही गरीब था। उस इतना गरीब था कि उसके शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं थे, लेकिन पाठशाला में जो रोज यानी प्रतिदिन जो फीस देनी होती थी वो किलेंथियस बड़े नियम से और रेगुलर और टाइम पर देता था। पढ़ने में भी किलेंथियस बहुत ही तेज और जो उसके साथ के विद्यार्थी थे सबसे अच्छा था। इस कारण दूसरे सब विद्यार्थी किलेंथियस से ईर्ष्या करते थे। कुछ लोग उस पर ये शक करते थे, ये संदेह करते थे कि किलेंथियस दैनिक फीस के जो पैसे देता है वो जरूर कहीं ना कहीं से चुरा कर लाता होगा। आखिर उन्होंने उसे चोर बताकर पकड़वा ही दिया। किलेंथियस का यह चोरी वाला मामला जब अदालत में पहुंचा, किलेंथियस ने निर्भयता के साथ जज से कहा कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। अपने इस बयान के समर्थन में किलेंथियस ने दो गवाह भी पेश किए। गवाहों को बुलाया गया। किलेंथियस का पहला गवाह था एक माली। उससे जब पूछा गया तो माली ने कहा यह बालक यानी कि किलेंथियस जो है प्रतिदिन रोज मेरे बगीचे में आकर कुएं से पानी खींचता है और इसके लिए इसे मैं कुछ मजदूरी दे देता हूँ। और जो दूसरा गवाह था वह एक बुढ़िया थी। उसे भी जब बुलाया गया तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं अकेली हूं और यह बालक किलेंथियस प्रतिदिन मेरे घर पर गेहूं पीस कर जाता है और उसके बदले में मैं इसको मजदूरी के पैसे दे देती हूं। इस प्रकार शारीरिक परिश्रम करके किलेंथियस कुछ पैसे प्रतिदिन कमाता और उससे अपना निर्वाह करता तथा पाठशाला की फीस भी भरता था। किलेंथियस की इस नेक कमाई की बात सुनकर जज बहुत ही प्रसन्न हुआ और उन्होंने उसे इतनी सहायता देने की पेशकश की जिससे उसकी पढ़ाई पूरी हो सके। परंतु किलेंथियस ने यह सहायता लेना स्वीकार नहीं किया और कहा मैं परिश्रम करके अपने बलबूते पर पढ़ना चाहता हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे स्वावलंबी बनाना सिखाया है। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं या फिर स्वास्थ्य विषय पर पत्राचार द्वारा अध्ययन करना चाहते हो तो हमें इस पते पर लिखें।
वॉइस ऑफ प्रोफेसी 11 हेली रोड नई दिल्ली 110001 इंडिया। श्रोताओं, इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने, आइए ये गीत सुनते हैं। प्यारे यीशु मसीह की महिमा, ओ महिमा, ओ महिमा, मेरे जीवन से उसकी महिमा। प्यारे यीशु मसीह की महिमा, ओ महिमा, ओ महिमा, मेरे जीवन से उसकी महिमा। से भरा है हाँ, अब मेरा जीवन तेरा है, तूने खुशियों से भरा है। तेरी ही सेवा करूं, तेरे लिए ही जीना है। तेरी ही सेवा करूं, तेरे लिए ही जीना है। ओ प्यारे यीशु मसीह की महिमा, ओ महिमा, ओ महिमा, मेरे जीवन से उसकी महिमा। मैं यीशु के ही गुण गाऊं, दर्शन उसका ही मैं पाऊं। हाँ मैं यीशु के ही गुण गाऊं, दर्शन उसका ही मैं पाऊं।
ये प्रार्थना मेरे दिल की रूह से मैं भर जाऊं, ये प्रार्थना मेरे दिल की रूह से मैं भर जाऊं। ओ महिमा, ओ महिमा, प्यारे यीशु मसीह की महिमा, ओ महिमा, ओ महिमा, मेरे जीवन से उसकी महिमा, ओ महिमा, ओ महिमा, प्यारे यीशु मसीह की महिमा, ओ महिमा, ओ महिमा, मेरे जीवन से उसकी महिमा, ओ महिमा, ओ महिमा, प्यारे यीशु मसीह की महिमा, ओ महिमा, ओ महिमा, मेरे जीवन से उसकी महिमा। प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, विवाह जीवन का सौदा है, विवाह परमेश्वर की ओर से है, विवाह पवित्र है। आज हम जब इस संसार में देखते हैं कि आज पूरी दुनिया में विवाह के बाद बहुत जल्द पति पत्नी तलाक के रास्ते अपनाते हैं, क्या यह सही है? परमेश्वर नहीं चाहता है, क्योंकि ये विवाह जल्दीबाजी में होती है। ये विवाह में केवल शारीरिक आकर्षण होता है, ना कि आत्मिक आकर्षण। मेरे मित्रों, क्या आप इसके शिकार हैं? क्या आपके जीवन में ऐसी घटना घटी है? तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। अगर आप इस परेशानी से गुजर रहे हैं तो आपको हम सहारा दे सकते हैं। मेरे मित्रों, युवा काल में विवाह को प्रेम लीला माना जाता है। इस काल में युवक उन भारी दायित्वों को महत्व नहीं देते जो वे विवाह की प्रतिज्ञा के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रतिज्ञा में दोनों ही की नियति एक बंध में बंधी होती है। इस बंध को मृत्यु के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं तोड़ सकती। विवाह के विषय पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जीवन भर के लिए कदम उठाया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही को इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि वे जीवन के सुख दुख में एक दूसरे के साथ रह सकेंगे या नहीं। विवाह के प्रति अनुचित धारणाएं। यहूदियों में किसी भी पुरुष को ये अनुमति थी कि वे छोटे अपराध के कारण भी अपनी पत्नी को त्याग दे। स्त्री को भी फिर विवाह करने की अनुमति थी। इस प्रथा ने दुराचार और पाप को जन्म दिया। पर्वतीय उपदेश में यीशु ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि व्यभिचार के अतिरिक्त किसी भी अन्य कारण पत्नी को नहीं त्यागा जा सकता। उसने कहा, जो कोई व्यभिचार के अतिरिक्त किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देता है, वो उससे व्यभिचार करवाता है। जो उस त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है, वो भी व्यभिचार करता है। यीशु हमारे संसार में इसलिए आया कि वह हमारी भूलों को सुधारे और मनुष्य में परमेश्वर के स्वरूप को पुनः प्रतिष्ठित करे। इजरायली शिक्षकों में विवाह के प्रति अनुचित धारणाएं अपनी जड़े जमा चुकी थी। वे विवाह के पवित्र प्रतिज्ञाओं को अधिक महत्व नहीं देते थे। पुरुष इतना अधिक कठोर हृदय वाला बनता जा रहा था कि छोटी छोटी बातों की आड़ लेकर अपनी पत्नी को यदि चाहता था तो बच्चों सहित घर से निकाल देता था। एक भारी अपमान माना जाता था और इसे पर्याप्त स्त्री को अपार कष्ट सहना पड़ता था। यीशु
इन बुराइयों को मिटाने के लिए आया था। उसने अपना पहला आश्चर्यकर्म विवाह में संपन्न किया। इस प्रकार उसने संसार में यह घोषणा कर दी कि जब विवाह को शुद्ध अकलंकहीन रखा जाता है तो वो एक पवित्र संस्थान बन सकता है। उस स्त्री पुरुष के लिए परामर्श जो तलाक पर विचार कर रहा है, विवाह के संबंध में आपकी विचारधारा त्रुटिपूर्ण रही है। व्यविचार के अतिरिक्त विवाह की प्रतिज्ञा को अन्य कोई बात भंग नहीं कर सकती। हम संकट काल में पहुंच चुके हैं जब किसी भी बात के प्रति यीशु पर अडिग विश्वास के अतिरिक्त हम आश्वस्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना में परमेश्वर के प्रति जागरूक नहीं है तो शैतान की परमेश्वर से पृथक कर देने की युक्ति से बचा नहीं रह सकता। यदि आपका मस्तिष्क शांत संतुलित होता तो आपका स्वास्थ्य कहीं उत्तम हो सकता था, परंतु अब वो व्याकुल असंतुलित है। आपके तर्क तलाक से संबंध में सही नहीं है। आपके दृष्टिकोण का आपके तर्क के आधार पर समर्थन नहीं किया जा सकता। मनुष्यों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी गई कि वे परमेश्वर के नियमों को भंग करके अपनी इच्छा और स्तर के अनुसार अपने लिए नियम निर्धारित कर सके। उनके लिए परमेश्वर के महान नैतिक स्तर पर पहुंचना आवश्यक है। परमेश्वर ने स्त्री पुरुष दोनों ही के लिए एक दूसरे को त्यागने का केवल एक ही कारण निर्धारित किया है, वो व्यभिचार है। इस पर प्रार्थना सहित विचार किया जाना चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि इस मामले में इससे और अधिक कुछ किया जा सकता है। मेरे विचार में आप यही कर सकते हैं कि आप भी अपनी पत्नी को त्याग दें। यदि उसने आपके साथ ना रहने का दृढ़ निश्चय कर लिया है तो फिर एक साथ रहने का प्रयत्न करने पर आप दोनों की दशा अधिक शोचनीय हो जाएगी। एक स्त्री को देश के कानून के अंतर्गत पति द्वारा वैध रूप में तलाक दिया जा सकता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि उसके उच्च कानून में वो तलाक वैध नहीं हो सकता। इसके अंतर्गत स्त्री या पुरुष का तलाक परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार होता है। यदि देश के कानून का तलाक स्वीकार कर लेते हैं परंतु वे फिर भी परमेश्वर के नियमों के अंतर्गत उसकी दृष्टि में पति पत्नी माने जाते हैं। मेरे मित्रों, कि आप परेशान हैं, आपके जीवन में कोई शांति नहीं है, आपके घर में हमेशा मनमुटाव झगड़ा होता है, तो शैतान का काम है। शैतान नहीं चाहता कि आप दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करें और प्रार्थना करें। अगर आप प्रार्थना करते हैं रोज अपने साथ अपनी पत्नी के साथ, शैतान आपके घर को नहीं तोड़ सकता। आज शैतान हर एक घरों में प्रवेश कर रहा है। आज शैतान मसीह के घरों में प्रवेश कर रहा है। आज शैतान मसीही भाई बहन को पकड़ रहा है, उनके बच्चों को पकड़ रहा है। आज शैतान नहीं चाहता कि आप इस कार्यक्रम को सुने। शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उस पर विश्वास करें। मेरे मित्रों, अगर आपका जीवन इस तरह का है तो आपके जीवन में खतरा है। आप खतरा ना मोल ले बल्कि परमेश्वर के पास आए, अपना जीवन सौंपे। परमेश्वर आपको चंगाई देगा, आपके आंसुओं को पोछेगा, आपके झगड़ों को दूर करेगा, आपके हृदय को नरम करेगा। अगर आपके हृदय पत्थर का है, परमेश्वर कहता कि मैं उसे निकाल कर मांस का पत्थर दूंगा। कि आप इसके लिए तैयार हैं तो आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते उस पति पत्नी के लिए खुदावन, जो आज संकट में खुदावन, उनका विवाह संकट में है, उनके जीवन में कोई खुशी नहीं खुदावन, शैतान उनके घर को तोड़ना चाहता। प्रभु, हम चाहते हैं कि शराब की हर एक बुरी आदत, नशे की हर एक बुरी आदत जो आज मसीही नौजवानों को, आदमियों को पकड़ रही, खुदावन उनको शक्ति दे कि वो इसे छोड़ सके और तेरा संतान बन सके। हम उनके जीवन को तेरा हाथ से सौंपते हैं। हम उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो आज आंसुओं के साथ अपने घरों में रहती है। खुदावन, उनके अंदर बहुत तकलीफ है, बहुत उदासीन है। खुदावन, उनके जीवन को तू ठीक कर। हम उनके जीवन को तेरे हाथ पर सौंपते खुदावन, और उसके जीवन को खुदावन हम चाहते हैं कि तू अपने प्रभु यीशु मसीह का रक्त से धो डाल, और इस प्रार्थना को
प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। हम उन माता बहनों भाई बहनों से मैं अपील करता हूं कि आप इस नंबर का इस्तेमाल करें, मुझसे बातचीत करें, अपनी समस्याओं को बताएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। हमें आपके पत्रों का इंतजार है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य लिखें। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। श्रोताओं, अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इस मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।